और चलिए अब सियासी हलचल की बात कर ले। झारखंड की 43 सीटें जो पहले चरण में हैं, उन पर चुनाव प्रचार का शोर कल शाम थम गया। आज का वक्त बचा है, आज डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं प्रत्याशी और आज भर का ये मौका है क्योंकि प्रचार का भोंपू थमा है। हालांकि अब कैंडिडेट्स जो है वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और कल जनता की बारी। 43 सीटों पर वोटिंग होगी, पहले फेज की वोटिंग, और इसमें कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। एक पूर्व मुख्यमंत्री, 6 मंत्री इस 43 सीटों पर हैं। इन 43 सीटों में से हैं जिनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद होने वाला है कल। तो कल वोटिंग की बारी यानी जनता की बारी। जनता किसे सर माथे पर बिठाती है और किसका डब्बा गुल करती है ये 23 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कल पहले फेज की वोटिंग होनी है, पहले चरण का चुनाव झारखंड में, और कल शाम यानी कि बीते कल शाम प्रचार प्रसार का भोंपू थम गया, शोर थम गया। आज दिन भर का वक्त कैंडिडेट्स के लिए डोर टू डोर कैंपेनिंग का, और डोर टू डोर कैंपेन करेंगे प्रत्याशी। इधर आपको बता दें कि जिन 43 सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं, ये 43 सीटें झारखंड की सियासत में काफी अहम। इससे पहले आपको बता दें हम कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, पूर्व सीएम रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास, ये सभी इस ये जो 43 सीटें हैं इन सीटों में से इनकी किस्मत भी दांव पर है। और आपको बता दें कि पूर्वी सिंहभूम की 6 विधानसभा सीटों के लिए सरयू राय, दुलाल भुइयां समेत कई चुनावी मैदान में हाथ आजमा रहे हैं और अब बारी जनता की है कि वो किसके भाग्य का फैसला करते हैं और कैसे करती है जनता इनके भाग्य का फैसला। आपको बता दें कि देखिए ये 43 सीटें कितनी अहम है आप इसी से समझ लीजिए। 2014 का आंकड़ा मैं बताती हूँ, इसे जरा गौर से सुनिएगा। 2014 में ये जो 43 सीटें हैं उनमें से जिन 43 सीटों पर कल वोट डाले जाने उनमें से 19 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और सरकार रघुवर दास के नेतृत्व में बनी थी। ध्यान दीजिए 2019 का जब मौका आया, वो 2014 का मौका था, 2019 का जब मौका आया तो 2019 में इन 43 सीटों में से 17 सीटें जेएमएम के खाते में गई थी और सरकार किसकी बनी, कांग्रेस राजद समर्थित जेएमएम की सरकार बनी, हेमंत सोरेन ने सरकार बनाई। कुल मिलाकर ये कि ये 43 सीटें ये फैसला करने वाली हैं कि जिसकी जिसके हिस्से में ज्यादा सीटें आने वाली हैं सरकार उसी की बनने वाली है, ये तो लगभग तय है। तो ये 43 सीटें बहुत अहम रहने वाली हैं पहले फेज की। फर्स्ट फेज में 43 सीट्स, 43 सीटें पहले चरण के लिए जिन पे कल वोटिंग होगी। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, सभी जगह मतदान कर्मी भेजे जा रहे हैं, कुछ संवेदनशील इलाके हैं वहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। लेकिन एक पूर्व मुख्यमंत्री समेत 6 मंत्रियों की किस्मत दांव पर है इन 43 सीटों में से। और सहयोगी चितरंजन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। चितरंजन, 43 सीट पहला फेज, कई दिग्गज जिनके किस्मत दांव पर, तैयारियां पूरी और अब जनता की बारी। बिल्कुल, देखिए 43 सीटों पर पहले चरण में मतदान होने हैं। 43 सीटों में पूर्व मुख्यमंत्री सहित 6 मंत्रियों का जो दांव लगा हुआ है कि मंत्रियों का किस्मत भी 13 तारीख को पिटारे पर बंद होने जा रहा है। देखिए 1,36,85,509 मतदाता जो है भाग्य का फैसला करेंगे, 683 उम्मीदवारों का भाग्य का फैसला मतदाता करेंगे। तो देखिए अगर बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की साख दांव में लगी हुई है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री के बहू की भी जो है साख दांव पे लगी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू वो भी चुनावी मैदान पे है तो उनकी भी साख लगी हुई है। वहीं अगर मंत्रियों की बात की जाए वर्तमान सरकार की तो मंत्री बन्ना गुप्ता हैं कि भी जो दांव पे लगे हुए हैं उनकी भी साख दांव पे लगी हुई है। मिथिलेश ठाकुर हैं तो इनकी भी जो साख है वो दांव पे लगी हुई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा भी इस बार चुनावी मैदान पे विधानसभा चुनाव लड़ रही जगन्नाथ विधानसभा सीट से, तो उनकी भी साख दांव पे लगी हुई क्योंकि वो लोकसभा चुनाव हार चुकी हैं। तो ऐसे में देखिए पहले चरण के मतदान पे जहां 43 सीटों पर मतदान होने वहां पूर्व मुख्यमंत्री सहित उनके बहू की साख तो दांव में लगी है, साथ ही साथ 6 मंत्रियों की भी साख दांव पे लगी है। देखिए इन 43 सीटों पर चुनाव होने हैं तो देखिए आधे से ज्यादा सीटों पर 13 तारीख को मतदान होंगे। झारखंड में 81 सीटें हैं विधानसभा की, तो 43 सीटों पर कल यानी कि
13 तारीख मतदान होंगे, जहां लगभग जिसके जो इस पर जिस भी गठबंधन की पार्टी इस सीट पर अगुवाई 43 सीटों पर विजय हासिल करेगी, बहुमत 43 में से ज्यादा सीटें जीतेंगी, सरकार उनकी बनने लगभग तय मानी जाएगी। तो ऐसे में जहां अब तक कांटे की टक्कर गठबंधन के दोनों दलों में देखी जा रही, तो वहीं पहले चरण के मतदान के बाद तस्वीरें साफ होती नजर आएंगी, क्योंकि इन पहले चरण के मतदान पर जो भी गठबंधन अगुवाई करते हुए नजर आएगी सरकार, उसकी बनती हुई दिखेगी। आरती बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया चित्रंजन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो 683 मतदाता पहले फेज में, सीटें 43 और कई दिग्गजों के किस्मत दांव पर, और कल जनता की बारी जब वोट ईवीएम में कैद होगा और उसके बाद फैसला 23 नवंबर को होगा। सहयोगी मोइजुद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पे। मोइजुद्दीन, देखिए कल पहले चरण की वोटिंग होनी है, मतदान की तैयारियां पूरी हैं, पोलिंग बूथ पर भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जो पोलिंग बूथ पर भेजे जा रहे हैं मतदान कर्मी वो भी, अब देखिए चुनाव आयोग भी पूरी तरह से तैयार है, अब इंतजार बस वोटर्स का है, कल आए वोट कास्ट करें और सारी तैयारियां पुख्ता। मोइजुद्दीन, मतदान कल 13 नवम्बर को है और तमाम प्रत्याशी जो है वो अब चुनावी प्रचार को समाप्त कर चुके हैं, अब जो मौका है उन लोगों का देश को देश जाने का, ऐसे में मतदान को लेकर के जो मतदान कर्मी है उनको भी यहाँ से रांची से रवाना किया गया है, साथ साथ तमाम जो बूथ होंगे उन तमाम बूथों में क्या कुछ व्यवस्था है, इसके लिए पहले से जिला प्रशासन तमाम जिला के जो जिला प्रशासन की तरफ से, सीआरडी की तरफ से, बीपीआरओ की तरफ से तैयारियां कर ली गई है और बूथों की पूरी पूरी तरह से तैयार रखा गया है, यहाँ तक की जो जितने भी सीट है खास करके अगर बात करें तो जिस तरह से चुनाव को लेकर के 43 सीटों पर चुनाव होना है, इन 43 सीटों के लिए मतदाताओं की जो वहां पर आगमन होगा, जो वहां पर लोग पहुंचेंगे इसको लेकर के भी अलग अलग इंतजाम किए गए हैं, साथ साथ सुरक्षा के लिहाज से महिला और पुरुष जवानों को तैनात किया गया है, इतना ही नहीं यहाँ तक जो डिसेबल होते हैं यानी जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है कि दिव्यांगजन किस तरह से आएंगे, कैसे वो मतदान करेंगे और खास करके यही खूबसूरती लोकतंत्र की हर वर्ग हर जाति हर सभी एक तरह से अपने मतदान का प्रयोग करते हैं, यही वजह है कि कहा गया है कि पहले मतदान फिर जनता, और इसी से लेकर के जिला प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी रखी हुई है, खास करके 43 सीटों में जिस तरह से चुनाव होगा ये अपने आप में ऐतिहासिक ये भी माना जा सकता है कि दो चरणों में चुनाव होना है, और इन दो चरणों में पहले चरण में अगर कहेंगे तो 43 सीटों में तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जिस तरह की तैयारियां की गई है, जनता के कलेक्ट करने का प्रशासन ने काम किया है, तो इन तमाम लोगों को अब देखना होगा कि जनता जनार्दन किसे अपना मतदान करती है, किसके स्तर पर पास कर जाती है, ये तमाम चीजें देखने वाली होगी, लेकिन फिलहाल जो व्यवस्थाएं हैं वो काफी दुरुस्त नजर आ रही है, इसके लिए जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन से लेकर जो सरकार है तमाम लोग जो है अपनी ओर से जो उनकी जो भूमिका रहती है वो देखते हुए बढ़ रही है, खास करके यहाँ से रांची के लिए रांची के लिए मतदान केंद्र वहां के लिए मतदान कर्मियों को भेजा जा चुका है और जो गाड़ियां हैं जो बसों में सवार होकर के लोग जा रहे हैं मतदान कर्मी वो भी अपने अपने बूथों में वहां पर मौजूद रहेंगे, इसके साथ साथ कितने प्रशासनिक पदाधिकारी रहेंगे, कितने वहां पर अधिकारी मौजूद रहेंगे, इन तमाम लोगों की स्थिति के साथ इन्हें रवाना किया जा रहा है, तो कह सकते हैं कि एक चलिए ठीक है मोइजुद्दीन, आप बने रहिए, हम अपडेट्स लेंगे, तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, मतदान कर्मियों को रवाना किया जा रहा है, पोलिंग बूथ की क्या तस्वीरें हैं, मतदाताओं के लिए पोलिंग बूथ पर कैसी व्यवस्थाएं हैं, ये सारी तस्वीरें TV45 आप तक पहुंचाएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका मोइजुद्दीन।